अच्छा तो चलिए चलते हैं हम लोग मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस YouTube चैनल साइंस स्किल पे। हम लोग पिछले क्लास में या पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्यूशन कर रहे थे, और एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन हम लोग करते करते सेकेंड तक के पहुंचे थे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड का सॉल्यूशन पिछले क्लास में हम लोग किए हुए थे। चलिए अब आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का 12th क्लास का एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स, तो ये हम पिछले क्लास में हिंट्स दिए हुए थे कि इसको कैसे करेंगे। तो बहुत सारे छात्र इसको बनाए गए हैं और कुछ लोगों को इसको प्रॉब्लम भी हो रहा है कि सर यू बाई यू के पावर भी वाला फार्मूला जो है वो कैसे पुट करेंगे। तो अगर कहीं भी प्यारे छात्रों जो फार्मूला पे होगा, जैसे यहां यू के पावर क्या है, भी, तो यू के पावर भी है तो इसको डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन के फार्मूला पे है। जब डिफ्रेंसिएशन के फार्मूला पे है तो क्यों ना इसको डायरेक्ट किया जाए, यानी कि जब फार्मूला पे रहता है ना तब लॉग नहीं लेते हैं। लॉग तब लिया जाता है जब गुना में रहे कोई फंक्शन, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था, या फिर दूसरा क्वेश्चन को देखिए भागा में था। तो हम लोग दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड किए हुए थे, लेकिन यहां पे उस तरह से नहीं है। लेकिन अपने तरफ से मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब हमको इसको डायरेक्ट dy बाय dx निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन करते वक्त डायरेक्ट dy बाय dx, चूंकि फार्मूला है ना, फार्मूला हम यहां पे याद दिला देते हैं कि फार्मूला क्या है। u के पावर भी वाला का फार्मूला जो होता है, u के पावर भी का डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला है कि जो u के पावर भी है प्यारे छात्रों, u के पावर भी ही रखिए, लेकिन फिर ब्रैकेट देना है, फिर करना है भी बटा यू, भी बटा यू, फिर क्या करना है, तो डी यू बाय डी एक्स, यानी कि डी यू बाय डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन किसका, यू का, फिर प्लस लॉग यू, लॉग अपने तरफ से लगाना है, और जो आधार में है यू तो यू लिखना है, और फिर डी भी बाय डी एक्स, ये फॉर्मूला है, और फिर ब्रैकेट। तो यहां पे यू के जगह पे क्या है, लॉग एक्स, और भी के जगह पे क्या है, कॉस एक्स। तो यू के पावर भी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यू के पावर भी को पहले यू के पावर भी लिखा जाता है, तो इसको लिख दिए लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट, फिर भी बटा यू करना है प्यारे छात्रों, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स बटा लॉग एक्स इंटू, तो इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो यू के जगह पे क्या है, लॉग एक्स ना, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस, तो यहां प्लस, अब की बार लॉग लिखना है, तो लॉग तो अपने तरफ से लिखना है, यू, यू का मतलब आधार, तो आधार में क्या है, लॉग एक्स। इसलिए आप बिल्कुल, आपको लग रहा होगा सर लॉग लॉग दो बार, तो भाई उससे क्या प्रॉब्लम है, लॉग तो यहां लगाना है ना फार्मूला में, फिर यू लिखना है, तो हम मेरा यू तो पूरा है ना, नीचे वाला यू है सॉरी, और ये पूरा भी है, देख पा रहे हैं, तो यहां पे तो यू का पावर भी वाला फार्मूला लगाना है, तो यू जब पूरा है तो पूरा यहां पे लिखेंगे लॉग यू लिखते हैं, तो लॉग लॉग एक्स, देखिए यू के जगह पे रख दिए हैं, फिर इंटू इंटू डी भी बाय डी एक्स, डी भी बाय डी एक्स का मतलब क्या, भी का डिफ्रेंसिएशन, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ, dv बाय dx का मतलब भी का डिफरेंसिएशन, तो भी की जगह पे क्या है, cos x, तो d cos x बाय dx, राइट। अब इसको जरा अच्छा से कर लेते हैं, मतलब जिसका डिफरेंसिएशन हो रहा होता है उसको कर लेते हैं, तो यहां पे log x के पावर cos x, cos x by log x, जो बाहर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कुछ नहीं करना है। अब ये log x का डिफरेंसिएशन, तो log x का डिफरेंसिएशन पहले छात्रों क्या होता है, 1 by x, log x का डिफरेंसिएशन याद होगा, प्लस, अब ये तो डिफरेंसिएशन बाहर है, तो बाहर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो इसको लिखेंगे log log x इंटू, तो इंटू cos x का डिफरेंसिएशन पहले छात्रों माइनस साइन x। अब जरा आंसर देख लेते हैं इसका किस फॉर्म में दिया हुआ है,
क्योंकि अभी तक के हम लोग को ये आंसर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 5.3 का बिल्कुल कॉसेक साइन एक्स लॉग लॉग एक्स, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया है, यानी कि कॉसेक्स बाय एक्स लॉग एक्स लिख दिया है, यानी यू बोले तो आंसर पता है कैसे है, आंसर जरा मैच करा देते हैं। डीवाई बाई डीएक्स, क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स का ही तो मान निकल रहा है ना, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ही करना था। तो जो अगर फार्मूला पे होता है प्यारे छात्रों, उसको आप ऐसे ही काम करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे तोड़ लेंगे। तो यहां पे टूटेगा तो क्या बनेगा, आंसर जरा देखते हैं कि किस फॉर्म में है। तो आंसर दिया है लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स, राइट, ब्रैकेट इसको जरा अच्छा से लिख दिया है, कॉस एक्स को 1 से गुणा किया कॉस एक्स बाय इस x को पहले लिख दिया, तो गुना में हम लोग किधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x log x प्लस प्लस माइनस, क्योंकि गुना है ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया है, और sin x को पहले लिख दिया है sin x log log x, तो इस तरीके से आंसर दिया है। तो बिल्कुल सही आंसर है, और आप बनाए भी हैं बहुत सारे लोग, तो जिनका बहुत करेक्ट आंसर है। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि सर फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे, यहाँ लॉग होता है अपने तरफ से और उसके बाद यू का जो मान है उसको यहाँ पे रखा जाता है। तो इस तरीके से तीसरा का हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 भी हम हिंट्स किए हुए हैं आपको, अगर नहीं बनता है तो फिर से ट्राई कीजिए। 4 नंबर है x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, ध्यान दीजिए। सवाल 4 नंबर है x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, तो हम आपको हिंट्स देते हैं। सबसे पहले ये जो सवाल है, आप मान लीजिए कि लेट y बराबर x के पावर x, जो भी सवाल रहेगा उसको कुछ ना कुछ मानना होता है, हम y बराबर मान लिए 2 के पावर साइन x। अब इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो यहां करो dy by dx बराबर, हम पिछला हिंट्स में ये बोले थे कि आपको अगर बड़ा हो जा रहा है ज्यादा, तो पहले u के पावर भी यहां लगा लीजिए और यहां पे u के पावर भी लगा लीजिए, फिर घटा दीजिए, यानी कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन कीजिए, सेकेंड पार्ट को सॉल्यूशन करके घटा दीजिए, या नहीं तो आप सबको साथ में लेके चलिए। हम आपको हिंट्स के तौर पर देखिए, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, तो यहां हो गया यू, ये हो गया u और ये हो गया v, तो यहां पे फॉर्मूला लगा लीजिए। u के पावर v का फॉर्मूला क्या है, u के पावर v का u के पावर v रखा जाता है, तो x के पावर x फिर ब्रैकेट v बटा u, तो v भी x है, u भी x है, फिर u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन का मतलब u में तो x है, तो x का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर log u, log u का मतलब log, u का मतलब x, फिर भी का डिफरेंशिएशन मतलब dx by dx, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस है तो फिर माइनस। अब यहां पे 2 के पावर साइन एक्स है, तो 2 हो गया मेरा क्या u, और साइन एक्स क्या हो गया v, तो इसको अब यहां पे रख देंगे, u के पावर भी यहां लगाएंगे, तो u के पावर भी का तो u के पावर भी लिखा जाता है, तो 2 के पावर साइन एक्स, फिर ब्रैकेट v by u, तो साइन एक्स by 2, समझ में आ रहा है ना। और फिर u का डिफरेंशिएशन यानी नीचे वाला का, तो d2 by dx, फिर प्लस, प्लस के बाद log u, तो u के जगह पे 2, dv by dx, तो d sin x by dx। तो आप बिल्कुल, हम आपको हिंट्स के तौर पे बता दिए, चाहे तो आप अगर बड़ा हो जा रहे हैं तो एक पार्ट को सॉल्यूशन कर लीजिए और फिर दूसरे पार्ट को सॉल्यूशन कर लीजिए और फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है प्यारे छात्रों, dx by dx का वैल्यू 1 और इसको 1, ये तो x x खुद कट जा रहा है, तो यहां पे 1 बचेगा, प्लस यहां पे log x बचेगा, तो 1 प्लस log x, x के पावर x से तो छोड़ देंगे वैसे ही, 2 के पावर sin x को कुछ नहीं करना है, d2x 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, यानी कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये वाला पूरा 0, प्लस log 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x, तो log 2 को हमको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना, वो चूंकि बाहर है। तो मेरे हिसाब से आपको एक हिंट्स के तौर पे आप खुद इसका आंसर लाइएगा और खुद आंसर इसका मैच करेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
और बहुत इजी वे में बनेगा, यानी कि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मैथ है ना, तो आपको कहाँ पे लॉग लेना है, कहाँ पे फॉर्मूला को अपनाना है, ये थोड़ा सा आपको अपने तरीके से सोचना पड़ता है, क्योंकि लॉग वहां लेते हैं जहां पे लॉग के फॉर्मूला पे टूट सकता है, राइट। अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट यू के पावर भी पे जहां लग रहा है, आप सोचिए कि जो फॉर्मूला हमें लग रहा होता है वो फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज करेंगे, और जो फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो फिर आपको उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है कि क्या लेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हालांकि प्यारे छात्रों, ये मैथ है, और मैथ जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, जो क्वेश्चन आप बना लिए हैं और फिर से उसको अपने मन से बनाइए, फार्मूला याद रखिए कि कौन सा फार्मूला क्या है, क्योंकि क्लास नहीं है तो हम आपको उससे फार्मूला सुन नहीं सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्स प्लस थ्री के पावर टू, एक्स प्लस फोर के पावर थ्री, एक्स प्लस फाइव के पावर फोर। चलिए बिल्कुल पांचवें नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है पांचवा क्वेश्चन, आपको दिखाते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। एक्स प्लस जरा एक बार फिर, थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर, एक्स प्लस थ्री के पावर टू इंटू एक्स प्लस फोर के पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव के पावर फोर। ये प्यारे छात्रों क्वेश्चन, और जरा एक क्वेश्चन को आपको देखकर आइडिया लग रहा होगा कि सर एक बात तो पक्का है, हम बोले क्या भाई, तो सर इंटू में है तो क्यों ना इसको लॉग लेना पड़ेगा। हम बोले कि बहुत सही सोच रहे हैं, क्यों सही सोच रहे हैं, क्योंकि सर इतना गुना में है, तो जब गुना में है तो क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला तो नहीं है, फार्मूला तो दो ही चीज का ना है। अगर मान लिया कि ये नहीं होता तब यू इंटू भी का फार्मूला हो सकता था, जिसे मान लिया ये नहीं होता तो एक हो जाता यू और एक हो जाता भी, तो u इंटू भी का फार्मूला पर तोड़ सकते थे, लेकिन ये तो बहुत सारा है, तो बहुत सारा है तो सिंपल आपको लॉग लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त लेट y बराबर x प्लस थ्री के पावर टू, इसी को हम x मान लेंगे, x प्लस फाइव के पावर फोर। फिर क्या काम करना होगा, बिल्कुल यहां पे लॉग लेना होगा, तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, टेकिंग log both side, दोनों तरफ log लेने पर, तो इधर क्या बन जाएगा प्यारे छात्रों, log y is equal to log के अंदर पूरा, क्योंकि log लेते हैं ऐसा नहीं कि इसके साथ log, ऐसा नहीं है, log लेते हैं का मतलब यहां log और यहां log, बाकी सबका बस वही रहेगा, तो x प्लस थ्री का स्क्वायर, हम यहां पे ब्रैकेट दे दिए ताकि ये पता चलेगा कि सब उसके अंदर है, इंटू एक्स प्लस फोर के पावर थ्री x प्लस फाइव के पावर फोर। अब जरा इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि अच्छे से लिखने का मतलब क्या, log y इज इक्वल टू, लॉग के अंदर प्यारे छात्रों ये गुना में, ये गुना में, ये गुना में, तो सब क्या हो जाता है, प्लस में टूट जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस log x प्लस फोर का पावर टू प्लस log x प्लस फाइव के पावर फोर। ये हो गया। अब जरा एक और लॉग का प्रॉपर्टीज मिल रहा है प्यारे छात्रों, वो कौन सा, कि लॉग एम के पावर अगर एम रहता है तो ये टू कहां चला जाएगा, पीछे, बाजू में चला जाएगा पीछे, यानी कि जब भी अगर लॉग के अंदर पावर वाल रहता है तो जो भी पावर रहता है वो लॉग क्या बोलता है कि ये पावर पहले आ जाएगा, तो यहां पर इसको अगर लॉग के रूल लगाए तो इसको लिख सकते हैं टू लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस, इसको लिखेंगे, सॉरी यहां पे टू नहीं है, सवाल में थ्री है, थ्री लॉग एक्स प्लस फोर फाइव लॉग एक्स प्लस फाइव, सॉरी यहां पे फोर है ना, फोर बाहर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी में तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, एक स्टेप और नीचे जाना है, यहां पे लिखेंगे अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करने वाले हैं, तो फिर से ऊपर से मिटाते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिलता है, जरा देखिए, तो यहां तो लॉग वाई है, तो इधर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे डी लॉग वाई को किसके रिस्पेक्ट में, तो dy के रिस्पेक्ट में, और ऊपर जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू, जरा इसको समझिए,
तो टू तो कांस्टेंट है प्यारे छात्रों, तो टू ऑलरेडी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग अब इतना काम करने के लिए जरूर सीख गए हैं कि बार बार वही चीजों को नहीं लिखेंगे। सबसे पहले अगर मान लिया कि ऐसे लिखते डी टू लॉग एक्स प्लस थ्री, तो बाद में तो हमको टू बाहर करना ही पड़ता, तो क्यों ना हम इसको टू को बाहर कर ले रहे हैं। अब अंदर में क्या बचेगा, डी लॉग एक्स प्लस थ्री। ऐसा करने से हम लोग को एक स्टेप कम जाना पड़ेगा, ऐसे इसको टू को यहां रखते तो अब के स्टेप में टू को बाहर करते, उससे अच्छा है कि हम पहले टू को बाहर कर लेते हैं, टू कांस्टेंट है। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आप जैसा सोच रहे होंगे एक्स प्लस थ्री है तो एक्स प्लस थ्री के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो एक्स प्लस थ्री बाय डीएक्स, क्योंकि अब तो इसको भी हम लोग डीएक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं और इसको भी अलग अलग करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। फिर प्लस, जैसा कि देख रहे हैं आप यहां थ्री है तो थ्री को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, डी लॉग एक्स प्लस फोर बाय डी एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स प्लस फोर को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर से प्लस, उसके बाद फोर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, डी लॉग एक्स प्लस फाइव किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स प्लस फाइव के रिस्पेक्ट में इंटू डी एक्स प्लस फाइव बाई डी एक्स। इतना सारा चीज हो गया। अब चलिए ये चैनल लगा दिए जिसका जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, फिर से अब यहां पे चलते हैं, लॉग वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है तो लॉग वाई वाई होता है वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू। आप समझ रहे हैं ना, लॉग एक्स प्लस थ्री को एक्स प्लस थ्री तो इसका हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस थ्री इंटू। अब जरा इसके बारे में समझते हैं कि डी एक्स प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा प्यारे छात्रों, डीएक्स बाय डीएक्स प्लस डी थ्री बाय डीएक्स, यही ना बनेगा। और इसको यानी कि हम ये जो है ना आपको डायरेक्टली यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा यहां रखने वाले हैं, इसलिए हम आपको यहां पे तोड़ के समझा रहे हैं। अगर इसको ऐसा करेंगे ना तो बहुत ज्यादा हमको लॉन्ग स्टेप जाना पड़ेगा, इसलिए आप यही समझ जाइए कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब डीएक्स बाई डीएक्स का वैल्यू प्यारे छात्रों वन, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन और थ्री का कितना जीरो, कॉन्स्टेंट है तो वन प्लस जीरो का वैल्यू कितना वन। उसी तरीके से यहां पे देखिए एक्स प्लस फोर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स एक्स का वैल्यू वन और फोर का हो जाएगा जीरो, तो वन और जीरो को वन। यहां पे भी वैसे ही करेंगे, डीएक्स बाय डीएक्स का वैल्यू वन और फाइव करेगा जीरो, यानी कि कुल मिलाकर अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो आपको इन छोटी छोटी बातों को ना आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि ज्यादा फिर स्टेप ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा सॉल्यूशन, इसलिए इन चीजों को डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कीजिए और डायरेक्ट यहां पे वैल्यू रखिए वन। तो जरा इसको मिटाते हैं, आप देखिए कि हम उसके जगह पे आखिर वन ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उसका दोनों का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा वन। फिर प्लस प्लस थ्री, तो थ्री लॉग एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर के रिस्पेक्ट में, तो जैसा कि जान रहे हैं कि वो लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो यहां लॉग एक्स प्लस फोर का वन बाई एक्स प्लस फोर इंटू वन प्लस फोर, इसका हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस फाइव इंटू वन। चलिए अब आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या मिलने वाला है वो देखिए, हम चूंकि dy बाई dx का वैल्यू निकालना है प्यारे छात्रों, तो dy बाई dx यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है dy बाई dx, तो dy बाई dx का मतलब ये हुआ कि y नीचे है तो y कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो y को हम भेज दिए ऊपर, और बाकी ये सब जो सारा है वो सब तो रहेगा ही रहेगा, मतलब 2 को 1 से तो यहां लिख देंगे 2 बाय एक्स प्लस थ्री प्लस 3 बाय एक्स प्लस फोर प्लस 4 बाय एक्स प्लस फाइव, यानी कि ये सब जो चीज था वो तो रहा ही रहा, लेकिन नीचे वाला y जो है ऊपर जाके गुना हो गया। अब आप बताइए कि dy बाय dx का जब भी आंसर करेंगे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो y तो हम अपने तरीके से माने थे, और y को क्या माने थे,
वाई जब स्टार्टिंग कर रहे थे क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर चार को, तो वहां पे हम लोग सॉरी क्वेश्चन नंबर ये पांच है ना, तो पांच का, तो वहां पे हम लोग वाई को क्या माने थे, एक्स प्लस थ्री के पावर टू यही माने थे ना, तो अब इस वाई के जगह पे रख देंगे, इसलिए आंसर जो बनेगा वाई के जगह पे क्या माने थे, तो एक्स प्लस थ्री के पावर टू इंटू एक्स प्लस फोर के पावर क्यू इंटू एक्स प्लस फाइव के पावर फोर, ये हम लोग वाई के जगह पे शुरू में माने हुए थे, तो यहां रख दिए और फिर बाकी जस का तस, टू बाई एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री बाई एक्स प्लस फोर, फोर बाई एक्स प्लस फाइव। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर आ चुका है, आप बिल्कुल आंसर मैच कर सकते हैं, जरा देख लेते हैं किस फॉर्म में आंसर है। तो जी हाँ बिल्कुल हम लोग का सही आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक्स प्लस थ्री के पावर टू, और यहाँ पे हाँ अब यहां तक भी प्यारे छात्रों हम लोग इसका आंसर छोड़ सकते हैं, जरा समझिएगा, यहां तक भी इसका आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर अब इसका ये है नहीं, बड़ा दिक्कत का बात है। तो अब चलिए इसको आंसर को मैच करते हैं, हालांकि ये एकदम राइट है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जरा इसको आंसर को मैच करना है तो हम लोग काम कैसे करेंगे वो चलिए समझते हैं। इसको आंसर को मैच करने के लिए उसमें क्या किया है ना, इसका 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 सबका एलसीएम ले लिया है, ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ दिया है, मतलब यहां तक भी हम बोल रहे हैं आंसर छोड़ सकते हैं, कोई भी गलती नहीं काटेगा, अभी भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर होती है ना वो थोड़ा सा सॉल्यूशन करके दिया रहता है, अगर ट्रिगो का है तो टेंथ का भी इलेवेंथ का भी फार्मूला का यूज करके और उसको करते 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 तब आंसर देता है। हम लोग का डिफ्रेंसिएशन ये हो गया, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आंसर तो मैच नहीं करता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, छात्रों को लगता है कि सर मेरा तो आंसर मैच नहीं है, तो अंदर से मतलब एनर्जेटिक होता है ना, वो टूट जाता है, विश्वास नहीं होता है कि सही है कि नहीं है, क्योंकि 99% जो भी स्टूडेंट है उनकी यही इच्छा होती है कि जो हम बनाया है वो आंसर मैच होना चाहिए। तो चलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आंसर को मैच करते हैं, हालांकि हम इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, किसने लोगों को ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आंसर आ जाता, तो चलिए हम आंसर को मैच करते हैं। तो आगे को मैच करने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अब आगे की थोड़ा सा जो क्वेश्चन को मैच करना होता है ना, वो उसको अपने तरफ से कुछ ना कुछ करना पड़ता है आंसर लाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आंसर हम लोग का गलत है। अब यहां 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 का एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम क्या बनेगा छात्रों, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव। अब यहां से देख पा रहे होंगे एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट हो रहा है तो टू बच रहा है, और टू से गुना हो जाएगा ये दोनों का, मतलब कि ये दोनों को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा और प्लस नौ एक्स, ये दोनों को गुना करेंगे, मतलब कि एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फाइव को गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा एक्स को एक्स स्क्वायर, पांच और चार नौ एक्स प्लस पंचों का बीस। ये एक शॉर्ट मेथड है, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x को x के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 के साथ 5x, 4 को x के साथ 4x, 5 को 4 के साथ 20x, तो 5 4 9 हो गया ना, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि x प्लस थ्री से कट हो गया तो 2 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का तो छोड़ दिए हैं, जब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर पांच और चार नौ एक्स पंचों का बीस, फिर प्लस, फिर थ्री से सॉरी एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कटेगा तो थ्री का तो थ्री रहेगा, अब यहां पे क्या होगा, तो एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कटा तो तीन से इसको इसको गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स 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 स्क्वायर पांच तीन आठ एक्स पांच तीन आए पंद्रह। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स प्लस पांच से एक्स प्लस पांच कटेगा तो चार से ये दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो चार एक्स 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 स्क्वायर चार तीन सात एक्स चार ती आए बारह, ये हो गया, और पूरा का ब्रैकेट, ये है ब्रैकेट, तो उधर ही ब्रैकेट कर दिया। चलिए
तो अब इसको आंसर मैच करने के लिए थोड़ा सा कुछ कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वही फिलहाल वही रखते हैं। हालांकि आप चीजों को देखिए, तो ये तो बट्टा में हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा ब्रैकेट में ऊपर है और नीचे गुणा बट्टा में है, तो x प्लस थ्री यहां दो ठो है और यहां एक ठो है, तो यहां एक ठो कट गया। अब यहां क्या है, x प्लस चार एक ठो है, यहां तीन ठो है, तो ये कटेगा तो दो ठो बचेगा। x प्लस पांच नीचे एक ठो है और ऊपर चार ठो है, तो यहां बचेगा तीन, यानी कि यहां बच गया x प्लस थ्री के पावर एक, x प्लस फोर के पावर टू और x प्लस फाइव के पावर थ्री। अब यहां तक के तो आंसर मैच कर गया, अब अंदर वाला का मैच करना है, तो टू को एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, नाइन टू जा एटीन एक्स फोर्टी, गुना कर रहे ना बस, थ्री एक्स स्क्वायर चौबीस एक्स पैतालीस, फोर एक्स स्क्वायर फोर सेवन जा ट्वेंटी एट एक्स, फोर ट्वेल्व जा फोर्टी एट। अब जब भी इसका आंसर मैच करना है तो देखिए, अब आंसर कैसे दिया होगा वो समझिए। अब हम लोग फाइनली आंसर पे बुक का आंसर का मैच करते हैं। ये बुक का आंसर दिया हुआ है, x प्लस थ्री एक्स प्लस फोर के पावर टू एक्स प्लस फाइव के पावर थ्री इंटू, इंटू का मतलब ये ब्रैकेट ऐसे दे दिया है। अब एक्स स्क्वायर को एक साथ एडिशन करते हैं, तो दो और तीन पांच, पांच और चार नौ, तो जी हाँ बिल्कुल, नौ एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में दिया हुआ है क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं नौ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर एक्स एक्स वाले को जोड़ेंगे, तो ये अठारह एक्स चौबीस एक्स और अट्ठाईस एक्स, टोटल मिलाकर सत्तर एक्स, चालीस पैतालीस अड़तालीस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आठ पांच तेरह की तीन हाथ में एक, चारती है बारह और एक तेरह, एक सौ तैतीस, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा और ये बिल्कुल करेक्ट है, प्लस में एक सौ तैतीस ही है ना, हाँ जी एक सौ तैतीस। तो बिल्कुल इस तरीके से हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। हालांकि ये सब जो इतना किया है ना, ये फालतू का है, कभी भी अगर एग्जाम में आया ना सवाल, आप यहां पर छोड़ो यार, यहां पर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, कभी वहां पर तो आंसर नहीं है कि ये आपको लाना ही लाना है। हाँ ये रहता प्यारे छात्रों कि इसको डिफरेंशिएशन करके प्रूफ करो कि इतना आना चाहिए, तब आप इतना करेंगे, यानी कि जब प्रूफ करने के लिए बोल दिया कितना लाना है, तब तो आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोले कि डिफरेंशिएशन आप कर लो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ये कर ही दो, आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फाइव था, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आप करेंगे तो आंसर सटीक आएगा। तो एनसीईआरटी में हम बार बार बोल रहे हैं कि सटीक आंसर बहुत कम ही केस में रहता है। तो आगे क्वेश्चन सिक्स में है, एक्स प्लस वन बाई एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स। चलिए छठा नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वन बाई एक्स के पावर क्या, x प्लस एक्स के पावर वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये है प्यारे छात्रों, आपको दिख रहा होगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको फार्मूला आना चाहिए। सबसे पहले इसको मानेंगे लेट, y बराबर मान लेंगे, y बराबर x प्लस वन बाई एक्स के पावर x प्लस x के पावर x प्लस वन बाई एक्स। अब आप बताइए कि डायरेक्ट ये तो फार्मूला पे है ना, क्यों फार्मूला पे है, क्योंकि नीचे वाला u है और ऊपर वाला भी है, यहां नीचे वाला u है और ऊपर वाला भी है, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर करेंगे dy बाई dx, डायरेक्ट dy by dx। यहां पे सबसे पहले अपनाएंगे u के पावर v, अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है तो सबसे पहले आप इसको कीजिए तब इसको कीजिए, राइट। हम पहले इसको करके दिखा देते हैं कि कैसे करेंगे, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर लीजिए,
फिर सेकेंड पार्ट का यू के पावर भी वाला फार्मूला लगा दीजिए और फिर फाइनल आंसर करने के लिए फाइनली दोनों को एड कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा, इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा, दोनों को एक साथ कर लीजिए एड में, क्योंकि एड करना है, और नहीं तो आपके पास जगह है तो इसका और इसका दोनों को साथ लेकर चलिए। जैसे कि अभी हम लोग दोनों साथ लेकर चलते हैं यू के पावर भी, तो क्या बोलता है यू के पावर भी का यू के पावर भी रखो तो एक्स प्लस वन बाई एक्स के पावर एक्स, फिर ब्रैकेट दो उतना बटा उतना, यानी कि एक्स भी बटा यू, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स कर दिए भी बाई यू। फिर क्या बोलता है यू का डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स प्लस वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग के अंदर यू, तो लॉग यू का मतलब क्या एक्स प्लस वन बाई एक्स लॉग यू हो गया। फिर क्या तो डी भी बाई डी एक्स, तो भी का मतलब क्या एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स, फिर ब्रैकेट, यानी पहला वाला तो काम हो गया, फिर से प्लस देना है। फिर यहां पे भी तो यू के पावर भी लगाना है, तो यहां पे जो यू के पावर भी है उसको छोड़ देंगे, एक्स के पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स, फिर ब्रैकेट, इसके लिए काम कर रहा है। भी बाय यू होता है तो भी के जगह पे क्या एक्स प्लस वन बाय एक्स बटा एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू का डिफरेंसिएशन, तो यू के जगह पे क्या है एक्स, तो एक्स डी एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग यू, तो लॉग यू के जगह पे क्या लॉग एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स, तो भी कितना है एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो डी एक्स प्लस वन बाई एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग एक ही साथ लेके चल रहे हैं, इतना इसके लिए प्लस इतना इसके लिए, तो अब हम लोग एक ही साथ करेंगे तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। यानी कि बहुत सिंपल है, बसरते आपको फार्मूला को अच्छा से लगाना है और फिर अच्छे से काम करना है। तो dy बाई dx हम भी कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में dy बाई dx लिख दिया तो समझ जाइए कि डिफरेंशिएशन हो रहा है और जो करते करते आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जो यहां पे है उसको छोड़ दीजिए, मतलब x प्लस वन बाई एक्स के पावर x ब्रैकेट, इसको जरा सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, तो x हो गया ऊपर और नीचे में x को लिख सकते हैं ना x बटा वन, तो वन और x का एलसीएम कितना हो गया x, और वन से जब x कटेगा तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वो x से x हो जाएगा वन, यानी कि हम नीचे वाले को एलसीएम ले लिए तो ऐसा होगा। फिर इंटू जरा इसको समझते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो कैसे होगा जरा इसका समझते हैं। इसका हम बगल में डिफरेंशिएशन स्पेशल देख लेते हैं, डी एक्स प्लस वन बाई एक्स बाई डी एक्स ये है, तो डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन अलग कर देते हैं ब्रैकेट में इधर कि इसके जगह पे हम क्या पुट करना है, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे प्यारे छात्रों, तो ये होगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी, जब वन बाई एक्स होता है तो इसको लिख सकते हैं ऊपर जाएगा तो माइनस वन बटा डी एक्स। इसको हम कैसे कर लिए, क्यों, क्योंकि जब भी अगर वन बाई एक्स के पावर कुछ होता है तो उसको लिख सकते हैं एक्स के पावर माइनस वन, तो यहां पे वन बाई एक्स है इसके जगह पे लिख लिए एक्स के पावर माइनस वन। अब इसका डिफरेंशिएशन तो पता है, दोनों को अलग अलग हम यहां तोड़ लिए, अब इसका तो वैल्यू वन और प्लस, अब इसका जो डिफरेंशिएशन है एक्स के पावर एन बोलता है कि एन को बाहर निकालो तो माइनस वन बाहर निकल गया, और फिर जो आधार है आधार लिखो और जो पावर है उसमें से एक घटाना होता है तो पहले से तो माइनस एक है और अपने तरफ से माइनस एक फार्मूला से, तो टोटल मिलाकर क्या हुआ तो वन और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स के पावर कितना माइनस टू, देख पा रहे होंगे प्लस माइनस ये माइनस हुआ एक्स के पावर माइनस टू हो गया, हम इसी को लिख सकते हैं वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि एक्स प्लस वन बाई एक्स के जगह पे डिफरेंशिएशन करके कितना आ सकता है वन माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल इसके जगह पे हम लोग अभी कितना रखने वाले हैं तो इसके जगह पे वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर रखने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो चलिए ये भी हम आप क्या कीजिएगा, इसको जब भी क्वेश्चन कॉपी में बनाते हैं तो ब्रैकेट में इसको दिखा दीजिएगा कि इतना का डिफरेंशिएशन कितना हुआ वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस टू है तो ये नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हम बोल रहे हैं
कि इसको आप दिखा दीजिएगा, 1 - 1/x² होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो ये तो अभी हम इसको सॉल्यूशन किए हैं इनटू, अब इसका क्या आया, तो इसका आया 1 - 1/x², फिर प्लस दे दिए log, इसको तो वैसे ही छोड़ देना है, मतलब x + 1/x इंटू dx/dx का वैल्यू 1, तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर, इसका तो काम हो गया। फिर अब इसका वाला करते हैं प्लस, इसको हटाते हैं, देखिए ये इसके लिए भी हो रहा था, अब इसके लिए काम करते हैं, इसको तो जस का तस वही रखते हैं, यानी कि x^(ax+1/x) फिर ब्रैकेट, इसको भी वैसे ही करेंगे, तो x को ऊपर x/1 लिख सकते हैं, तो बट्टा में तो x है मान लिया, नीचे वाला x है, अब 1 और x का एलसीएम कितना होगा x, और यहां हो जाएगा x² + 1, ऐसा होगा जैसे कि हम लोग यहां पे सॉल्व किए थे ना, इसको ऊपर में है प्लस में, तो एलसीएम करके इसको काम कर लिए, और इनटू में dx/dx का वैल्यू 1 लिखे या फिर नहीं लिखे बात बराबर, प्लस log x का वैल्यू log x लिखना पड़ेगा, और इनटू अभी हम लोग किया ना कि इसके डिफरेंशिएशन कितना आता है, देखिए उसको हम लोग ब्रैकेट में करके अगर कॉपी में दिखा देंगे तो उसका दो जगह यूज है डिफरेंशिएशन का, तो इसलिए यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 - 1/x² इस तरीके से। जरा आंसर देख लेते हैं, हम लोग का तो डिफरेंशिएशन लगभग होने वाला है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आंसर हमें क्या दिया है, तो बिल्कुल आंसर तक हम लोग पहुंच रहे हैं और बिल्कुल सिंपल आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग आंसर तक के पहुंचने वाले हैं, जब आप देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, फिर उसके नीचे लिखेंगे बराबर, इसको तो वैसे ही छोड़ेंगे एकदम फाइनल, x + 1/x² ब्रैकेट, नीचे वाला प्यारे छात्रों जब x ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x² बनेगा, अरे नीचे वाला x ऊपर जाएगा तो x² और नीचे में बनेगा x² + 1, राइट। अच्छा अब यहां पे भी तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 को लिख सकते हैं 1/x, 1/1, और इनटू में जब इसको 1 और x² को जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा x², और 1 को x² से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा x² - 1, ये चीज बनेगा, यानी कि जब आप, ये तो इनटू है ना, यहां पे जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1 और x² का एलसीएम x², 1 को x² से गुना करेंगे तो x² और माइनस x² से x² कट जाएगा तो यहां पे बचेगा 1, फिर प्लस यहां पे क्या, तो log x + 1/x फिर ब्रैकेट, एक का तो काम हो गया, फिर प्लस यहां क्या है x^(x+1/x) इसको वैसे ही छोड़ देंगे, फिर ब्रैकेट यहां पे आप देखिए तो नीचे वाला जब x है नीचे आएगा, देख पा रहे होंगे ये नीचे वाला नीचे आएगा तो क्या बनेगा x² + 1 / क्या x², ये वाला नीचे आएगा तो x² बनेगा, प्लस log x इनटू, इसको जब हम लोग करेंगे इसका देख लेते हैं किस तरह से सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका दिया है x + 1 - log x - x², अच्छा ठीक है, तो log x और इनटू जब इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/1 करके तो इनटू इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1 और x² का एलसीएम x² और 1 से कटेगा तो x² - 1 ये आएगा, ठीक है, अभी तक के इतना चीज हमें आ चुका है, राइट। अब इतना चीज आने के बाद भी जरा आप देखिए कि क्या क्या कट रहा है, तो एक चीज तो फाइनल है x² ऊपर नीचे कट गया, तो यहां पे क्या बच रहा है x² - 1 / x² + 1 प्लस इतना, अब यहां पे जरा रुकना है और काम करना है, फिलहाल फिर से चलते हैं, जो बाहर है उसको बाहर ही छोड़ देते हैं, इट मींस यहां पे एक पार्ट का तो आंसर आ चुका है x + 1/x² ब्रैकेट x² - 1 ऊपर है क्योंकि गुना था ना, x² - 1 ऊपर और नीचे x² + 1
फिर प्लस लॉग के अंदर एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक पार्ट का तो आंसर आ गया, फिर प्लस प्लस देंगे एक्स के पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स है, फिर ब्रैकेट। देखिए इस बार क्या है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चूंकि ये लॉग एक्स का इंटू में है, इसका मतलब क्या कि बट्टा में लॉग एक्स है ऊपर, देख पा रहे लॉग एक्स इंटू इतना, यानी लॉग एक्स अलग है और इतना अलग है और बट्टा में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम लोग नीचे एलसीएम ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे तो यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू लॉग एक्स। तो ऐसे ही करके आंसर दिया है क्या, जरा एक मिनट, क्योंकि आंसर मैच करना है एक्स प्लस वन और माइनस लॉग एक्स दिया है, एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर। तो एक तो फर्स्ट पार्ट का आ गया, सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो आंसर मैच कर गया ऊपर वाला, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का एड था तो ये तो बिल्कुल मैच कर गया है। अब जरा इसका देखते हैं, लॉग एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो यहां पे एक्स प्लस वन लाना है, तो यहां पे अगर हम लोग काम करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन लाना है, जस्ट मिनट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू लॉग एक्स। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा आंसर, या फिर हो सकता है इसका आंसर यहां पे बाय मिस्टेक भी हो सकता है, यानी कि एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर दिया है, राइट, तो इसको एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स, यानी कि इसको एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो इस तरीके से बट्टा में तो एक्स स्क्वायर है। पहले छात्रों जो वहां पे आंसर जो दिया है ना वो थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एलसीएम देंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और यहां पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा और प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू लॉग एक्स, तो ये इस तरीके का आंसर आएगा यहां पे। तो आप बिल्कुल इस यहां पे आंसर को सुधार कर लेंगे, यहां पे एक गलती हो सकता है, राइट, तो यहां पे कुल मिलाकर ये आंसर आ चुका है डीवाई बाई डी एक्स का। फर्स्ट स्टेप का तो पूरा का पूरा आंसर मैच कर रहा है, इसमें जो एक अंतर दिया हुआ है ये कि एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर दिया है यहां पे, जो कि इम्पोसिबल है लाना क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे है, तो एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर का तो यहां तो एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा, लेकिन सवाल में यहां एक्स प्लस वन दिया हुआ है फिर माइनस लॉग एक्स दे दिया है, तो ये बहुत यहां पे कुछ छूटा होगा, यहां पे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वन छूटा हुआ है और यहां पे स्क्वायर छूटा हुआ है आंसर में, इसलिए थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम हो गया था, हम भी सोचे कि कहीं गलती तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल आंसर हम लोग का सही है, वहां पे छूटा हुआ है स्क्वायर छूटा हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस वन छूटा हुआ, देखिए यहां पे स्क्वायर लग जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस लॉग एक्स का तो लॉग एक्स दिया हुआ है, ये चीज छूट गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो बिल्कुल आप इन चीजों को सुधार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर सिक्स था। तो प्यारे छात्रों जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी वे में बन रहा है और ऐसे ही सवाल आगे भी है, मतलब कि सेवन नंबर भी ऐसा ही है और आप देख पा रहे होंगे एट भी ऐसा ही है, नाइन भी ऐसा ही है, तो आपको हम तीन क्वेश्चन देते हैं, सेवन एट और नाइन, सेवन एट नाइन, ये तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क्स में है, आप खुद बना सकते हैं, यानी कि यूके पावर भी के बेसिस पे है, अगर आप यूके पावर भी वाला फार्मूला आप अपना लेंगे तो आपको बिल्कुल आंसर बन जाएगा। तो आपको सेवन एट और नाइन एक होमवर्क्स के तौर पे सॉल्यूशन करना है और बिल्कुल सबका आंसर आएगा, क्योंकि सब सेवन नंबर में देख पा रहे होंगे यूके पावर भी लगेगा, दो पार्ट में है जैसे कि अभी हम बना रहे थे, एट नंबर में भी वैसा ही है, हालांकि
एट नंबर में साइन एक्स के पावर एक्स है और साइन इनवर्स रूट एक्स है। जरा एट एट वालों को देख लेते हैं। एट वाला में क्वेश्चन है ऐसे, साइन एक्स के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसका तो हो जाएगा यू के पावर वी, और इसका कर लीजिए इसको दो पार्ट में कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा फार्मूला पर और इसका चैम लगा दीजिएगा डी साइन इनवर्स रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर डी रूट एक्स बाई डी एक्स, यानी इसका अलग कर लीजिएगा डिफरेंस फिर दोनों को एड कर दीजिएगा। और फिर नाइन नंबर में भी वैसा ही क्वेश्चन है, जरा आप अच्छे से कीजिएगा, और टेन में भी वैसा ही है लेकिन टेन नंबर हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सेवन एट और नाइन ये तीन क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। तो अगले दिन से हम डिस्कस करेंगे टेन नंबर क्वेश्चन से, यानी कि सेवन एट और नाइन ये तीन क्वेश्चन आपको बिल्कुल करना है। सभी यू इंटू भी पे, यू के पावर भी पे बनने वाला है, और कहीं कहीं जैसे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ पे चैबुल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज के क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, आप तीन क्वेश्चन को बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।